हेलो एवरीवन, चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से ट्रिक बताने वाली हूँ। जब हम बच्चों को लंच बॉक्स देते हैं तो हमारी रोज की प्रॉब्लम होती है कि हम बच्चों को लंच में क्या दें, फ्रूट में क्या दें। तो देखिए, लंच बॉक्स में क्या देना है, इसके बहुत से आइडियाज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, आपको लंच बॉक्स आइडिया में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वेराइटी आपको मिल जाएगी। तो देखिए, लंच बॉक्स आइडियाज़ तो आपको इससे मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स में यह रहता है कि जो फ्रूट्स होते हैं मिलते तो हर टाइम है, लेकिन हम बच्चों को जो प्रेफर करते हैं वो करते हैं सीजनल फ्रूट। तो हर सीजन में सारे फ्रूट मिल तो जाते हैं, लेकिन वो अच्छे वाले नहीं होते हैं, तो हम ऑल टाइम उसको सब फ्रूट बच्चों को नहीं दे सकते हैं। एप्पल ऐसा फ्रूट होता है जो हमेशा अवेलेबल होता है, तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए। लेकिन एप्पल का ये प्रॉब्लम है कि ये ब्लैक हो जाती है। तो चलिए आज मैं आपको ये ट्रिक बताती हूँ कि आप किस तरह से बच्चों को एप्पल दें कि लंच बॉक्स में बच्चों की एप्पल बिल्कुल भी ब्लैक ना हो। मैं आपको हाफ एप्पल जो कट करके बता रही हूँ इसके ऊपर बताऊंगी मैं किस तरह से हमें बच्चों को एप्पल देनी है। तो मैंने ये कट कर ली है, अच्छे से पेल कर ली है। अब देखिए, मैंने लिए हैं दो बाउल। एक बाउल में मैं भरूंगी थोड़ा सा पानी, इसमें मिक्स करूंगी थोड़ा सा नमक। नमक को अच्छे से पानी में घोल लेंगे। इसके बाद दो एप्पल के स्लाइसेस को इसमें डाल देंगे और करीब 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद ये जो दो स्लाइसेस बचती हैं, इसमें हम क्या करेंगे, मैंने थोड़ा सा लेमन लिया है, इसको थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे और इसके ऊपर रगड़ लेंगे। तो अच्छे से हमें सारी तरफ एप्पल के ऊपर ये लेमन को लगा देना है। एक बार के लिए हम 10 मिनट का वेट करेंगे। इसके बाद हमने जो नमक के पानी में एप्पल रखे थे, ये एप्पल को हम निकाल लेंगे। देखिए, 10 मिनट हो गए हैं, तो एक बार मैं नमक के पानी से इन एप्पल को निकाल देती हूँ। अब मैंने जैसे इसको नमक के पानी से निकाल लिया है, इन दोनों को मैं ढक दूंगी और करीब 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। 2 घंटे बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका रिजल्ट क्या रहता है। अब देखिए, 2 घंटे हो चुके हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या रिजल्ट रहा। तो अब देखिए, 2 घंटे हो चुके हैं, ये जो नमक वाली है ये हल्की से आगे आगे से ब्लैक हुई है, ऐसी कोई ज़्यादा ब्लैक नहीं हुई है, खाने जैसी तो बिल्कुल ही है। थोड़ी सी देर हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगी, और लेमन वाली तो बिल्कुल ही ब्लैक हुई ही नहीं है। तो देखिए, मैं लेमन वाली थोड़ी सी टेस्ट कर रही हूँ, थोड़ी सी ये खट्टी लगती है लेमन वाली, क्योंकि ऑब्वियस है लेमन है तो थोड़ा सा तो खट्टा आएगा ही। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि प्रेफर ये करें कि अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप नमक के पानी में डिप करके दीजिए, ज़रा सा भी इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता है, और हल्का बहुत अगर नमक का टेस्ट आता भी है तो अच्छा लगता है, क्योंकि लेमन का थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है, तो थोड़ा हो सकता है बच्चे ना खाएं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।